हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो है टेंथ ओपन यानी NIS वाले बच्चों के लिए, और इसमें मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर स्नेक बाइट की समरी को। और इसमें ना केवल आपको इसकी इंग्लिश समरी बताऊंगी बल्कि साथ ही साथ में इसकी आपको हिंदी भी बताती चली जाऊंगी। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक करते जाना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी यहां पर इंग्लिश समरी दी हुई है, जिसको साथ ही साथ मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती चलूंगी। तो आप जो है एक पेन और नोटबुक ले लेना, और इसको साथ ही साथ आप लिख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल बॉय। ये स्टोरी एक स्मॉल बॉय की है। हिज नेम इज राजा, उसका नाम है राजा। ही इज वेरी नॉटी, पर वो बहुत शरारती है। वन डे राजा सीज अ स्मॉल स्नेक क्रॉलिंग स्लोली इन हिज कंपाउंड। एक दिन क्या होता है कि राजा एक स्मॉल स्नेक देखता है, छोटा सा सांप देखता है, जो कि क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंग रहा होता है, कहाँ पर, उसके कंपाउंड में। बट वेन द स्नेक सीज राजा, इट हाइड्स इट सेल्फ इन अ कोकोनट शेल। बट जब स्नेक राजा को देखता है तो वो खुद को एक कोकोनट शेल में छिपा लेता है। कोकोनट शेल का मतलब होता है नारियल का खोल। राजा क्लोजेज द माउथ ऑफ कोकोनट शेल विद अ स्टोन। पर राजा क्या करता है, वो कोकोनट शेल का माउथ एक स्टोन से यानी एक पत्थर से बंद कर देता है, उसके मुंह को वो बंद कर देता है। देन ही टेक्स द स्नेक टू हिज ग्रैंड मदर। और उसके बाद राजा उस स्नेक को अपनी ग्रैंड मदर के पास ले जाता है। When his grandmother comes to know that he has caught a snake, she cries for help. और जब उसकी grandmother को पता चलता है कि उसने एक caught का मतलब पकड़ा है सांप, तो वो cry का मतलब चिल्लाती है help के लिए। His grandfather throws the shell away and scolds Raja. और उसके grandfather क्या करते हैं, वो throws का मतलब फेंक देते हैं उस shell को लेकर दूर कहीं, और वो राजा को scolds का मतलब डांटते हैं। He warns Raja never to go near a snake again. और वो राजा को warns भी करते हैं कि वो कभी भी इसके बाद किसी snake के पास ना जाए। आप देख लेते हैं हम second paragraph इसका, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं। In the evening, Raja catches a bee. कि शाम में, उसी शाम में राजा एक बी को कैच करता है। बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। बट इट स्ट्रिंग्स हिम ऑन हिज फिंगर। बट वो मधुमक्खी स्ट्रिंग का मतलब काट लेती है राजा की फिंगर पर, उंगली पर। ही टेल्स टू हिज ग्रैंड मदर, और राजा ये बात अपनी ग्रैंड मदर से बताता है। शी थिंक्स इट इज़ अ स्नेक बाइट बिकॉज देर इज अ ब्लू मार्क ऑन हिज फिंगर। बट उसकी इशी कौन है यहाँ पर, उसकी ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर सोचती हैं कि ये एक स्नेक बाइट है, यानी इसको सांप ने काटा है। बिकॉज का मतलब क्योंकि उसकी फिंगर पर ब्लू मार्क था, नीले रंग का निशान पड़ गया था। ग्रैंड मदर इन्फॉर्म्स टू ग्रैंड फादर, इसलिए ग्रैंड मदर क्या करती हैं, वो ग्रैंड फादर को इन्फॉर्म करती हैं इसके बारे में, उनको बताती हैं। द ग्रैंड फादर ऑल्सो सीज अ ब्लू मार्क ऑन राजा फिंगर, और ग्रैंड फादर भी राजा की फिंगर पर एक ब्लू मार्क देखते हैं। द ग्रैंड फादर टेक्स राजा इन हिज आर्म्स एंड रन्स फास्ट। इसके बाद ग्रैंड फादर क्या करते हैं, वो राजा को अपने आर्म्स, आर्म्स का मतलब अपनी गोद में, बाहों में ले लेते हैं, और वो रन्स फास्ट, तेजी से भागते हैं। ही रीचेज एन ओल्ड मैनस हाउस, और इसके बाद वो एक रीच का मतलब पहुंचते हैं किसी ओल्ड मैन के घर पर। द ओल्ड मैन नोज द क्योर ऑफ अ स्नेक बाइट, और उस ओल्ड मैन को क्या पता होता है, क्योर का मतलब इलाज, स्नेक बाइट का, सांप के काटे का वो इलाज जानता है। ही टेक्स राजा इनसाइड, और इसलिए वो ओल्ड मैन क्या करता है, वो राजा को इनसाइड यानी अंदर ले जाता है। ही टेक्स वाटर इन अ स्मॉल प्रेस वेसल एंड रिसाइट्स द मंत्रास। इसके बाद वो ओल्ड मैन एक ब्रास के बर्तन में, एक ब्रास वेसल में कुछ वाटर लेता है और कुछ मंत्रास पढ़ता है। रिसाइट्स का मतलब पढ़ता है, कुछ मंत्रास वो बोलता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो कि है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ग्रैंड फादर होल्ड्स राजा टाइट, और जो ग्रैंडफादर होते हैं वो राजा को टाइटली पकड़ लेते हैं। राजा कैन नॉट गेट अ चांस टू टेल दैट इट इज़ नॉट अ स्नेक बाइट, रादर इट इज़ अ बी स्टंग। और राजा को चांस ही नहीं मिलता ये बताने का कि ये एक स्नेक बाइट नहीं है, उसको सांप ने नहीं काटा है, बल्कि ये तो एक बी स्टंग है, बल्कि उसको तो मधुमक्खी ने काटा है।
ग्रैंड मदर एंड सम अदर पीपल ऑल्सो रीच इज देयर, और ग्रैंड मदर और कुछ दूसरे लोग भी होते हैं पास पड़ोस के, वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दे ऑल लुक वेरी सैड, और वो सब देखने में कैसे लगते हैं, बहुत ही वो सैड लगते हैं। बाय द वे पेन इन राजाज फिंगर स्टॉप्स, मगर बहरहाल राजा की फिंगर में जो पेन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। द ओल्ड मैन वॉशेज राजाज फिंगर एंड गिव्स हिम सम वाटर टू ड्रिंक, और वो ओल्ड मैन राजा को कुछ वाटर देता है पीने के लिए और उसकी फिंगर को वो वॉश करता है। ही डिक्लेयर्स दैट राजा इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, और वो डिक्लेयर करता है कि अब राजा आउट ऑफ डेंजर है। ग्रैंडफादर बिलीव्स दैट राजा इज सेफ बिकॉज ऑफ हिज ट्रीटमेंट एंड मंत्रास, और ग्रैंडफादर को क्या बिलीव होता है कि राजा सेफ है क्योंकि ओल्ड मैन ने उसको क्योर किया है, उसका ट्रीटमेंट किया है और उसको उसके मंत्रास वगैरह पढ़े, मंत्र वगैरह पढ़े उसके ऊपर। He thanks the old man and gives him gifts. वो old man को thanks बोलते हैं और उसको कुछ gifts वगैरह भी देते हैं। तो कुल मिलाकर सबको लगता है कि राजा को एक snake ने bite किया है, but actually में उसको snake bite नहीं होता है, उसको तो 20 टंग होता है, उसको मधुमक्खी ने काटा होता है, but और वो उन सभी को लगता है कि old man ने उसका cure किया है। अब आते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ राजा, कि राजा के बारे में कुछ बताइए। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, राजा वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही वॉज अ स्मॉल बॉय, ही वॉज नॉटी ऑल्सो, कि राजा इस स्टोरी का नरेटर है, वो ही स्टोरी को बताता है, वो एक छोटा बच्चा है, छोटा सा लड़का है, वो नॉटी भी है, वो जो है कोकोनट शेल का माउथ एक स्टोन से बंद कर देता है और उसके अंदर क्या होता है, स्नेक होता है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स रोल्स इन द लेसन, कि आपको ग्रैंड मदर का रोल इस लेसन के अंदर बताना है, क्या रोल होता है उनका। तो ग्रैंड मदर एक फियरफुल लेडी है, वो बहुत डरती हैं और वो शॉक हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि राजा ने एक स्नेक को कोकोनट शेल के अंदर बंद किया है। वो हेल्प के लिए क्राई करती हैं और ग्रैंडफादर को इन्फॉर्म करती हैं इसके बारे में। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू व्हेन ही सॉ द ब्लू मार्क, कि ग्रैंडफादर क्या करते हैं जब वो ब्लू मार्क देखते हैं राजा की फिंगर पर। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि जब ग्रैंडफादर ब्लू मार्क देखते हैं राजा के फिंगर पर, तो उनको लगता है कि ये एक स्नेक बाइट है, इसलिए वो राजा को एक ओल्ड मैन के घर ले जाते हैं जिसको स्नेक बाइट का क्योर पता होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द ओल्ड मैन क्योर राजा, के ओल्ड मैन ने राजा का क्योर कैसे किया। तो इसका आंसर है कि ओल्ड मैन राजा को अंदर ले गया, उसने उसकी उंगली को देखा, उसने उसको कुछ एक जो है ब्रास वेसल में पानी पीने के लिए दिया, उसके बाद उसने कुछ मंत्रास बोले और फिर उसने राजा की फिंगर को वॉश करके उसको फिर से पानी पीने के लिए दिया। अब है लास्ट क्वेश्चन जो कि है इम्पॉर्टेंट, लास्ट 5 क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी स्नेक बाइट इज फुल ऑफ सस्पेंस जस्टिफाई, कि ये जो स्टोरी है स्नेक बाइट ये सस्पेंस से भरी हुई है, इस बात को आप जस्टिफाई करिए। इसका आंसर है कि राजा जो है एक बी ने उसको स्टंग किया था और उसकी ग्रैंड मदर सोचती हैं कि उसको एक सांप ने काटा है और उसके ग्रैंड फादर भी ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए ओल्ड मैन भी ये क्या डिक्लेयर कर देता है कि उसको एक पॉइजनस यानी जहरीले सांप ने ही काटा है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये इसकी समरी है जो कि ज़्यादा मैंने लेंथी नहीं दी, बहुत ही छोटी सी समरी है। इसके अलावा अगर आपको इसी चैप्टर की डिटेल हिंदी समरी चाहिए, हिंदी में पूरी कहानी, तो वो भी मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड की हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको एक बार चेक कर लेना, आपको ये स्टोरी एकदम क्लियर हो जाएगी अच्छे से डिटेल में। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और एक छोटी सी दी हुई बेल आइकॉन उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है या फिर आप ऐसे ही अदर वीडियोज चाहते हैं, अदर जो है चैप्टर्स की वीडियोज चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग पाइस।